एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहाँ आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 175 के सॉल्यूशन को लेकर के। यह ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और ये जो है वो एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज है। एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज का मतलब होता है कि इसमें जो है आधे से अधिक आपको जो पिछले आपने पढ़ा है, पिछले जो ट्रांसलेशंस आपने बनाए हैं, तो उसी का रिवीजन है। बस इसमें वर्ड्स थोड़े से बदल जाते हैं, इसमें प्रैक्टिकल वाले ज़्यादा होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं, साथ ही कुछ स्टार्टिंग लेवल के भी आपके शुरू वाले ट्रांसलेशन भी इसमें होते हैं। वैसे अभी चल रहा है, आप सबको पता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टाइम एंड टेंस, तो उससे रिलेटेड इसमें ज़्यादा आएंगे। चलिए तो अब जानते हैं इसको, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 174 का, यानी 1 से लेकर 174 तक के वीडियोज़ जो है वो अपलोड हो चुके हैं। उनको यदि आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट भी आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख लें। वैसे प्लेलिस्ट में चेक कर लें, इसके ऑक्सफोर्ड के जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे, बुक के नाम से ही सारे प्लेलिस्ट हैं। इसके अलावा जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड के करेंट इंग्लिश ग्रामर, लूसेंट के ग्रामर, इन सब के भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एक नाम है, वो है ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश, है ना, ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश। ये तो आपको वीडियो है जो जिसमें मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, लेकिन जो है वो आपको वहाँ पर आपको इस प्लेलिस्ट में टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, ये सब एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक के एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलेंगे। चलिए तो जानते हैं इसको पहले। अगर आप इस ढंग से कोशिश करते रहें एक तो एक दिन सफल होंगे, है ना। तो के लिए कोई ट्रांसलेशन में हम लोग देन वगैरह नहीं लगाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में अकेला रहे तो हम लगाएंगे। इफ़ यू गो ऑन ट्राइंग, है ना, करते रहे, ये बहुत पहले का प्रैक्टिस है। वन डे, एक दिन, द सक्सेस विल बी योर्स, तो सफलता तुम्हारी होगी। आप क्यों उसे मारने की कोशिश करेंगे, फ्यूचर का आ गया, है ना, नॉर्मल है ये सिंपल फ्यूचर। वाई विल यू ट्राई टू किल हिम, कैसे पहचानेंगे, नॉर्मल भर्व के साथ गा देगी है। अब उसने आपके विरुद्ध क्या किया है, है ना, या है, ये है, ई है, या चुका है, चुके हैं, ये जो है वो आपको फ्यूचर में आता है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो हैव हैज के साथ वी थ्री, यानी व्हाट हैज ही डन अगेंस्ट यू। उसे मारने के बाद मैं यह कहूँगा कि इन बच्चों को कौन देखेगा, क्या हो जाएगा इसका, आफ्टर किलिंग हिम, है ना, आफ्टर किलिंग हिम आई विल से दिस, हु विल लुक आफ्टर दीज चिल्ड्रन, क्या वह गलती तुम्हारी नहीं होगी, विल दिस मिस्टेक नॉट बी योर्स। अब ये नॉर्मल इजेमर का प्रयोग वाला है, शैल विल का प्रयोग वाला। कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग खाते हैं, अब ता है ते है, सिंपल प्रेजेंट हो गया। सम पीपुल वर्क एंड सम ईट, कहेंगे सर यहाँ पीपुल नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं ना, उनको दोबारा सेम चीज़ के लिए रिपीट करना उचित नहीं माना जाता है, ठीक है। आगे है, दुनिया इसी ढंग से चलती है, है ना, क्या हो जाएगा, द वर्ल्ड गोज लाइक दिस। इसके अलावा वे लोग अपना काम करते रहेंगे, दे विल बी डूइंग दियर वर्क। फिर है, तुमने क्या किया, है ना, क्या हो जाएगा, क्या है, है ना, है तो या है, ये है, या चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। व्हाट हैव यू डन, तुम क्या करते रहोगे, सिंपल फ्यूचर है। व्हाट विल यू बी डूइंग, रहा होगा, रही होगी, रहोगे, है ना, ये जो है फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। आगे बढ़ेंगे, अगला है आपको, मैं सोमवार तक इस काम को पूरा कर चुका रहूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव कम्प्लीटेड दिस वर्क टिल मंडे। हालांकि बाई मंडे भी आप लिख सकते हैं, इसलिए एक्सरसाइज में मैंने बाई का ही प्रयोग किया, फ्यूचर में तक के लिए बाई का भी प्रयोग होता है, बल्कि बाई का ही ज़्यादा होता है, आपके बुक के आंसर में टिल दिया हुआ है। आप कब तक यह काम करने जा रहे हैं, है ना, कब यह काम करने जा रहे हैं, वेन आर यू गोइंग टू डू दिस वर्क। आप वर्षों से यह काम कर रहे हैं, You have been doing this work for years. इसके अलावा लगता है कि आप इसे अवश्य पूरा करेंगे, बुक में आपके दिया हुआ लगता है का it seems that you shall complete this work, है ना, अवश्य पूरा करेंगे, इसलिए यहाँ पर will की जगह जो है वो shall का प्रयोग हो गया, है ना, shall की जगह will और will की जगह shall लगाने से अवश्य, वादा, धमकी, इन सब का बोध होता है। आगे बढ़ेंगे, हम लोग काम शुरू करने जा रहे हैं, क्या होगा, we are going to start the work,
उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया है और इसलिए मैं उसे कभी उसे माफ़ नहीं करूँगा। क्या हो जाएगा? ही हैज़ बिफुल्ड मी, मूर्ख बनाना का बिफुल, बिफुल है ना, उसी का बनाया है, तो इसलिए हैज़ के साथ भीथरी लगा, बिफुल्ड मी एंड देयर फॉर आई विल नेवर फॉरगिव हिम। फॉरगिव मीन्स है ना, क्षमा करना, माफ़ करना। तुम्हें यह काम क्यों नहीं करना पड़ा? वाई हैड यू नॉट टू डू दिस वर्क? तुम इस बात को जान गए हो, यू हैव नोन दिस फैक्ट, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, फिर वही या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए अब रो रहा है, और साथ में मिल गया रहा है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा? ही हैज ईटन नथिंग, या ये भी हो सकता है ही हैज नॉट ईटन एनी थिंग, है ना, नथिंग की जगह नॉट एनी थिंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग सो ही इज क्राइंग नाउ। आगे बढ़ेंगे, आपने अपने देश के लिए क्या किया है? क्या हो जाएगा? व्हाट हैव यू डन फॉर योर कंट्री? तुम्हें अज्ञानता थी, यू हैड इग्नोरेंस, तुमने अज्ञानता में बहुत सी गलतियाँ की थी, यू मेड मैनी मिस्टेक्स, या सेवरल मिस्टेक्स भी लिख सकते हैं इन इग्नोरेंस। क्या भगवान मुझे माफ़ करेंगे? विल गॉड फॉरगिव मी, है ना, गॉड का जी कैपिटल रखेंगे। अगर तुम अपने आप को बदल लोगे, है ना, ये दो वाला है, कंडीशनल सेंटेंस है, उसमें तो रहे तो हम उसके लिए देन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर तुम अपने आप को बदल लोगे तो भगवान तुम्हें अवश्य माफ़ करेंगे। इफ़ यू चेंज योर सेल्फ, है ना, गॉड शैल फॉरगिव यू, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने पीछे भी था, गॉड के साथ तो थर्ड पर्सन है, विल लगना चाहिए, लेकिन शैल लगेगा क्योंकि अवश्य का अर्थ है। मैंने तुमसे अनेक बार मिलना चाहा है, आ है, ए है, या चुका है, चुकी है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव वॉन्टेड टू मीट यू या सी यू में सेवरल टाइम्स, या मैनी टाइम्स भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो है एक्सरसाइज समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ थोड़ी देर से ही सही, और कमेंट में क्वेश्चन लिख दें तो मैं आसानी होती है मुझे। साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।